एसपीएसडी कानपुर, आज आपका पेपर अच्छा हुआ है और हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन उस टाइप के पूछे गए। पेपर इस बार का थोड़ा सा अजीब था, जो हर साल से अलग पेपर आया था, ठीक है। काफ़ी सारे आप लोगों ने प्रॉब्लम फेस की होंगी कि सर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था और ऐसा पेपर आ गया, लेकिन ऐसा होना भी चाहिए कि एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने वो चेंज भी किया इस बार। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें, तो अगर आपने मैथमेटिक्स में 30 प्लस क्वेश्चन किए हैं तो आपको कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर में आपने ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन किए हों, रीजनिंग में आपने 10 से 12 या 15 क्वेश्चन किए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो हमने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं अपने वीडियोज में, अनअकैडमी पे भी डिस्कस किए हुए हैं, यूट्यूब पे भी डिस्कस किए हुए हैं, और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आंसर भी मैच कर लीजिएगा कि सही है कि गलत। तो यहाँ पर जो आपसे कहा गया है, पहला क्वेश्चन ही कंप्यूटर का हमने एक उठाया है, तो इसमें आपको x और y के नंबर आप पेयर्स बताने हैं, मतलब x और y की कितनी वैल्यूज होंगी। तो हमने सिंपल सा इसको करना क्या होता है कि बेस इक्वल करना होता है बेस 10 में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो x की पावर 0 इंटू 3 प्लस x की पावर 1 इंटू 4 लिखा हमने, और ये हो गया इज इक्वल टू में कितना, 3 इंटू 8 की पावर 0 और y इंटू 8 की पावर 1। तो ये हमने इस तरीके से लिखा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 8y प्लस 3 आता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 8y, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2y, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सिंपल से पेयर बनाने हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, y की वैल्यू 1 रख सकते हैं, तो y की वैल्यू 1 तो आप रख लेंगे, लेकिन x की वैल्यू मिलेगी 2, और 2 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर सकती है क्योंकि बेस जो है वो कभी भी नंबर से छोटा नहीं होता है। तो बेस मिनिमम यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 4 यहाँ पर है, तो ये होना चाहिए 5, ठीक है। अब x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, लेकिन वो कभी हो नहीं सकती क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन नंबर है, ओके। तो ये कितनी हो सकती है, मिनिमम 6। तो हमने क्या किया, ये x की वैल्यू 6 लेकिन कम मिलेगी जब y की वैल्यू आप रखेंगे 3, तो ये हो गया 6,3। y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 8, और y की वैल्यू 5 रखेंगे x की वैल्यू मिलेगी 10, y की वैल्यू 6 रखेंगे x की वैल्यू मिलेगी 12, और y की वैल्यू अगर आप 7 रखते हैं तो मिल जाएगी 14, और y की वैल्यू 8 रखते हैं तो 16 मिलेगा। लेकिन वो हमने पेयर यहाँ पर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 8 नहीं रख सकते हैं क्योंकि बेस के इक्वल हो जाएगी, और कोई वैल्यू रखेंगे इससे बड़ी तो वो बेस से बड़ी होंगी, वो भी नहीं रखेंगे। तो आपको नंबर ऑफ पेयर जो है, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने मिल जाएंगे, 5, ओके। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, देखो जैसा पिछला क्वेश्चन है सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, बेस दोनों तरफ इक्वल करने होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये रूट लगा हुआ है इसको हम लोग इधर स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू आर की पावर 0 प्लस 2 इंटू आर की पावर 1 प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू आर की पावर 0 प्लस 1 इंटू आर, ओके। और ये स्क्वायर हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं इसको होल स्क्वायर ओपन करके, तो ये आ जाएगा। इसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो 2r स्क्वायर से r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे r स्क्वायर, 2r से 6r सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 4r, और 4 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 5। तो ये आज आ जाएगा, और इसके फैक्टर जो आएंगे वो आ जाएंगे r प्लस 1 r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 1 और r की वैल्यू 5, बेस कभी निगेटिव होता नहीं है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, ओके। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपका आप देख लें पेपर में। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, देखो तीनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है, कुछ करना ही नहीं है इसमें भी, सिंपल सा आपको बेस इक्वल करने हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू आर वन की पावर 0 प्लस 3 इंटू आर वन प्लस 2 इंटू आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना होगा, यहाँ पर जो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेस 10 में है, और जो ये चेंज करते हैं ये बेस 10 में ही चेंज होता है, मतलब यहाँ पर 565 ही रहेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर देखेंगे तो R1 की वैल्यू अगर ऑप्शन से आप सेटिस्फाई कराते हैं तो R1 की वैल्यू 16 सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सेम है तो हम लोग R2 की वैल्यू निकाल लें, तो ये वाला रिलेशन हम लोग यहाँ से उठाएं तो ये क्या हो जाएगा, 1065 की बेस R2 इज इक्वल टू 565 बेस 10। तो यहाँ फिर से वही काम करना है, 5 इंटू आर टू की पावर 0 6 इंटू आर टू की पावर 1 आर टू होंगे हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी रिलेशन में आप देखेंगे आर टू की वैल्यू जो होंगी वो कौन सी सेटिस्फाई करेंगी, 8। तो आंसर कितना हो जाएगा, 16,8, ओके। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने बीसीए किया हुआ है तो कंप्यूटर आसान आता है एमसेट में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर अगर देखें इस क्वेश्चन की बात, तो आपको यहाँ पर क्या कहा गया, ये आपको केमैप दिया गया था और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इनको डोंट केयर कंडीशंस बोलते हैं। तो डोंट केयर कंडीशन क्या होती है, कि हमें केयर नहीं करनी होती है, इनको हम लोग अपने पेयर बनाने में यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि मिनिमम यूज करते हैं और मैक्सिमम 1 कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 ये 1 ये 1
और ये वन मतलब तीन वन है तो ये कवर हो रहे हैं ज्यादा पेयर, मतलब पेयर पहले बड़ा बनाते हैं या तो 16 का या 8 का या 4 का। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला हमने ब्लू कलर वाला जो यहाँ पे पेयर बनाया हुआ है तो इस 4 का पेयर ये बन रहा है, तो इस वन के लिए क्या हो जाएगा 0000 ये लिखा हमने, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा 0010 ये लिखा हुआ है, फिर ऐसे इस वन के लिए 10100 और 1010। यहाँ पर आप देखेंगे तो सी डी ए बी है तो ये लिखा सी डी ए बी। अब कॉमन क्या है यहाँ पर अगर देखें तो ये तो चेंज हो रहा है लेंगे नहीं, डी वाला जो है वो चेंज नहीं हो रहा है 000, तो डी के लिए 11 होता तो डी लिखते, 00 है तो डी बार प्लस ये क्या हो जाएगा बी बार। ओके प्लस अब क्या करें और पेयर बनाए तो होगा क्या कि एक ये वन बच गया, अब इस वन को आप ये तो कवर कर सकते हैं लेकिन अगर इससे भी बड़ा पेयर बन रहा है तो पहले हम लोग वो ट्राई करते हैं। तो आप देखेंगे एक ये पेयर जो है रेड कलर से जो बनाया है ये बन रहा है। ओके तो यहाँ पर क्या करेंगे इस वन के लिए लिखेंगे हम लोग नंबरिंग, इसके लिए